आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदि मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे, जैसे संग्रहण यानी गैदरिंग, शिकार अपमार्जन और मछली पकड़ना। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलते हैं। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्मों का मिलना दुर्लभ होता है। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में पाया है कि आदि मानव होमोनिड अपमार्जन के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किसी अन्य हिंसक जानवर द्वारा मार दिए जाते थे। ये भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमोनिड छोटे स्तनपाई जानवरों जैसे चूहे, पक्षी, सरीसृप, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी खाते थे। होमोनिडों ने शिकार शायद बाद में शुरू किया था, लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपाई जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना सबूत दो जगह पर मिला है, और वह जगहें थी दक्षिण इंग्लैंड और जर्मनी। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। इसकी जानकारी हमें अनेक खोज स्थलों से मिली है। आदिमानव अपना भोजन शिकार के माध्यम से प्राप्त करता था। दरअसल उस वक्त तक आदिमानव आग और फसलों से इतने अवगत नहीं थे, इसलिए वो दूसरे जानवरों का शिकार करते थे और उन्हें कच्चा ही खा जाते थे। फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर आदिमानव अपना भोजन पकाकर खाने लगा। इसके अलावा वे फलों और पेड़ पौधों पर भी निर्भर हुआ करते थे और उन्हें तोड़कर खाया करते थे। ऐसा ही वे अपने भोजन के अलग अलग चीज़ों को जोड़ते गए, पहले पेड़ पौधे, फिर जानवर और उसके बाद फसलें आदि। हालांकि एक रिसर्च के मुताबिक सभी आदि मानव मांसाहारी नहीं थे, कुछ शाकाहारी भी थे जो कि अपनी भोजन की व्यवस्था करने लगे तथा पौधों को पकाकर खाते थे, जो कि भोजन की व्यवस्था करने के लिए पौधों को पकाकर खाते थे।